हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और देखिए सन भी यहाँ पे सो रही है। और रात में अचानक हस्बैंड को ड्यूटी जाना पड़ गया था, वो रोल कॉल में गए थे 8 बजे पुलिस लाइन, तो उधर से ही ड्यूटी चले गए थे वर्धमान, तो रात में नहीं आए थे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो अच्छे हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और अभी 1 बजने जा रहा है और मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी मैं, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं था, सर में दर्द था, कल रात से ही सर में दर्द था। और हस्बैंड रात में कल ड्यूटी चले गए थे वर्धमान, तो वो रात भर उधर ही थे, सुबह आए हैं घर, तो मुझे ठीक से नींद ही नहीं आई। सुबह मैं उठी तो जल्दी ही उठ गई थी, बट कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई। और उसके बाद सुबह में हस्बैंड आ गए थे, तो नाश्ता वास्ता हुआ, बनाई खाना भी बना लिए हैं, खाए नहीं अभी हम लोग, तो खाना में आज मैं बनाई हूँ खिचड़ी, क्योंकि आज सैटरडे है, तो मैं सोची कि चलो सिंपल खाना है, जल्दी बन भी जाएगा, तो आज मैं खिचड़ी ही बना दी हूँ, खिचड़ी, चोखा और सलाद, पापड़, घी, अचार, यही सब होगा, और धनिया पत्ता का चटनी है। खिचड़ी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चोखा और चटनी बनाई हूँ, और सुबह एक सब्ज़ी बनाई थी रोटी के साथ नाश्ते के लिए, तो यही सब है आज का खाना दोपहर का। और अभी सांगवी और उसके पापा घर में हैं, अंदर दोनों खेल रहे हैं, फैन चला है, मोबाइल चल रहा है, इसलिए आवाज़ डिस्टर्ब होता, तो मैं इधर साइड में आके आप लोग से मिल रही हूँ। तो शाम में आज सोच रही हूँ थोड़ा सा मार्केट जाने के लिए, क्योंकि वैसे तो कुछ खास काम नहीं है मार्केट में, बस सांगवी के सैंडल्स जो थे वो सब ना रखे रखे छोटे हो गए हैं, मतलब कहीं जाना आना नहीं हो पा रहा है, बस ट्यूशन जाती है घर आती है, ट्यूशन से घर आती है, बस मार्केट भी ठीक से जाना नहीं हो रहा, और किसी रिलेटिव के यहाँ तो और भी जाना नहीं हो पा रहा है हम लोग का, तो रखे रखे ही सैंडल छोटा हो गया उसका, मतलब सब टाइट जैसा हो रहा है, तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि एक सैंडल वैंडल ले ले उसके लिए, वो उसी को लाने के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं शाम में, तो देखती हूँ समय अगर ठीक ठाक रहा, और ड्यूटी का आज उम्मीद है कि ड्यूटी नहीं होगा, हो भी सकता है, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, बट अगर ड्यूटी नहीं हुआ तो शाम में हम लोग थोड़ा सा मार्केट जाएंगे, मौसम अगर ठीक रहे तो, बारिश ना हो, क्योंकि अक्सर बारिश होके एक दिन और प्लान बना था लेकिन बारिश की वजह से वो कैंसिल हो गया था, तो आज शाम में पता नहीं क्या होता, अगर ठीक होगा तो ज़रूर जाऊँगी मैं। तो अभी थोड़ा देर बाद हम लोग खाने पीने वाले हैं, खाना पीना होगा हम लोग का, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। और इधर किचन भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ, सब गैस वैस सब साफ कर ली हूँ। यह है टमाटर पकाया हुआ, इसमें मैं नमक और तेल डाल के रखी हूँ, अब सिर्फ मतलब हरी मिर्च और प्याज एक काट के डाल दूँगी, और खाने टाइम बस पापड़ निकाल देना है। तो यही है आज का हम लोग का लंच। और देखिए बाप बेटी क्या कर रहे हैं घर में, गोलमाल, ओहो गोलमाल देख रही हो, गोलमाल है कि टोटल धमाल है? हाँ टोटल धमाल है। जा रहे हैं हम लोग थोड़ा मार्केट की ओर पानी के साथ और अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे। बाइक के पास सब होकर जब हम लोग रेडी हो चुके थे जाने के लिए मार्केट, तो बारिश शुरू हो गई थी, तो लगा था कि आज भी जाना कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर ही बारिश हुई हल्का हल्का, उसके बाद रुक गई थी, तो हस्बैंड बोले कि चलो आज नहीं जाओगे तो फिर समय नहीं मिल पाएगा, तो वैसे मैं निकले, लेकिन बाज़ार जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, चारों तरफ भीगा हुआ था, तो पानी पानी, मतलब अजीब मन कैसा कैसा लग रहा था, और बाज़ार के बीच में तो और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ में किचकिच किचकिच कर रहा था, पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ जैसा हो गया था, तो मैं मार्केट में ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई, सिर्फ रास्ते में थोड़ा सा ली तो बस ली, और ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं था, बोली थी सिर्फ उसका चप्पल ही लेना था सानवी का, तो बस वो लेके हम लोग जल्दी ही लौट आए थे। मार्केट से आने के बाद हम लोग थोड़ा सा चले गए थे इनके एक फ्रेंड के घर में, कुछ देर वहाँ पे रुके मिल के, उसके बाद मैं आई थी तो खाना बनाने लगी थी, और सानवी यहाँ बैठ के देखिए मोबाइल देख रही है, मैं उधर किचन में खाना बना रही थी, तो उसको मन नहीं लग रहा था, तो वो बैठ के यही कर रही थी, देख लीजिए मोबाइल में कार्टून देख रही है, क्या कर रही है। उसके बाद मैं खाना बनाई थी, और हम लोग खाना करीब 10 बजते खाना हो गया था हम लोग का।
फ्रेंड यहाँ पे मैं रात में मटर भिगो दे रही हूँ, सुबह मैं उसका घुघनी बनाऊँगी। काबली मटर है तो ये डब्बा अच्छा है, इसमें एक साथ चार चीज़ आ जाते हैं और 250 ग्राम आराम से अट जाता है। और मैं ये सब टाइप की चीज़ 250 करके ही लाती हूँ। तो देखिए मटर मैं भिगो दे रही हूँ सुबह के लिए। खाना पीना तो हम लोग का हो चुका है, लगभग 11 बजने वाला है, तो बस यही लास्ट काम है, उसके बाद हम लोग सो जाएँगे। तो गाइज मैं ढक दे रही हूँ क्योंकि रात में छिपकली कॉकरोच कुछ भी आके इसका मतलब जूठा कर सकता है, इसलिए मैं उसे ढक दी हूँ। और देखिए मेरा काम बढ़ गया फिर से, यहाँ 11:30 होने वाला है और सानवी को भूख लग गई, तो उसके लिए यहाँ पे मैं चीले बना दे रही हूँ। हालांकि वो रोटी खाई थी लेकिन फिर भी मोबाइल देख रही थी और सोने का नाम नहीं ले रही थी, और जब मोबाइल उससे ले ली हमने तो फिर वो नखरा करने लगी कि भूख लगा है, मुझे भूख लगा है। तो इत्तेफाक देखिए कि आज रोटी भी नहीं बचा था एक भी। हेलो फ्रेंड, देखिए अभी सोने का टाइम हो चुका है और घड़ी में देखिए 11:30 हो रहा है, 11:35 हो गया है और हम लोग खाना कब का खा चुके हैं, करीब 10 बजे खाना खाए थे। तो आज इत्तेफाक देखिए कि आज खाना मैं बनाई थी तो एक भी रोटी नहीं बचा है, सारे रोटी ख़त्म हो चुके हैं, सब लोग खा लिए थे। मैं भी सोची कि चलो अच्छा है, नहीं बचा तो नहीं बचा। सालवी भी खाई थी, दूध भी पी थी, बट अभी उसको भूख लगी है, वो क्या बोल रही है, सो नहीं रही है, बोल रही मुझे खाना है, खाना बना दो। अभी मैं उसके लिए क्या बनाऊँ, सब्जी भी ख़त्म हो मतलब खा चुके हैं हम लोग, रोटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं उसके लिए चीले बनाई हूँ, नमकीन चीले, और उसे दी हूँ अभी खाने के लिए। तो देखिए कितना नखरेबाज है, अभी बिस्तर के अंदर घुसी हुई है और देखिए यहाँ पे चीले रखा हुआ है उसे खिलाने के लिए, उसके पापा दे रहे ठंडा करके, मैं बना रही थी। बोलिए नहीं मैं मम्मा के हाथ से ही खाऊंगी। और 11:30 बजे उसे भूख लगी है, मतलब जिस दिन रोटी बचता है उस दिन नहीं भूख लगता है दोबारा, आज कुछ भी नहीं था खाने में तो आज उसको भूख लगी है। और देखिए अभी मैं 11:30 बजे सोने के टाइम है, 11:30 के बच्चे सो चुके होंगे, इसे मैं अभी चीले बना कर खिला रही हूँ और उसमें भी इतना नखरा है, मतलब इतना परेशान करती है ना, क्या बताऊँ मैं आप लोग को। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और सब लोग सोने का इंतजार कर रहे हैं, देखिए मेरे हस्बैंड जी को भी, वो भी नींद, वो बेचारा कल रात में नाइट ड्यूटी करके आए थे, दिन में भी ठीक से सो नहीं पाए हैं और रात में भी इतना लेट हो चुका है। तो बाय बाय गाइज।